नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ कविता एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कविता इज हेयर। जैसा कि आपको ज्ञात है, UGC की वार्षिक परीक्षाओं के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए संबंधित खबर को जान लेते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग से कंफर्म कर सकते हैं कि विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर UGC की विस्तृत SOP पढ़िए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर विस्तृत ब्यौरा जारी किया है। UGC ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के मानक संचालन प्रक्रिया SOP की अधिसूचना अपलोड की है। इसमें विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतिम वर्ष और सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश बताए गए हैं। इससे 2 दिन पहले यानी कि 6 जुलाई को UGC ने विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक ऑनलाइन पेन एवं पेपर मोड या मिश्रित मोड पर आयोजित की जाएगी। UGC का कहना है कि परीक्षाओं को लेकर जारी SOP का निर्माण COVID-19 के दौरान पैदा हुई स्थिति के मद्देनजर किया गया है। UGC ने अंतिम सत्र की परीक्षाओं को अनिवार्य बताया है। अपने पत्र में UGC ने लिखा है कि फाइनल टर्म की परीक्षाएं जरूरी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंजूर SOP के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। UGC ने SOP का पत्र 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने SOP बनाए हैं, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिली है। विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों से हेल्थ स्टेटस से जुड़ा एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना होगा। हर परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग उपलब्ध होंगे। हेल्थ स्टेटस नहीं भरने और थर्मल स्क्रीनिंग नहीं कराने वाले विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र से जाने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट वन, परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। परीक्षा केंद्र के फर्श, दरवाजे, दीवारें, फर्नीचर, रेलिंग, सीढ़ियां सभी को सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के आने और जाने वाली जगहों पर भीड़ नहीं होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, परीक्षक समेत सभी लोगों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा, ताकि उनको जरूरत पड़ने पर ट्रेस किया जा सके। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।